顺打开酒。नमस्ते दोस्तों, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अमूल को इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे क्लब ड्रीम कैचर और हमारे कोऑर्डिनेटर अनीता भट्टाचार्य को। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं देते, शुरू करते हैं हमारा रेसिपी। आज का रेसिपी का नाम है पनीर हलवा। तो यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऑलरेडी लेकर रखे हैं, जो पनीर है। पनीर को ग्रेट करने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पनीर ग्रेट करके रखी हुई है। यहाँ थोड़ा केसर वाला दूध है, यहाँ थोड़ी ड्राई फ्रूट्स है जो कटते वक्त ये लगेगा, और ये थोड़ी ड्राई फ्रूट्स है जो गार्निशिंग के टाइम पे लगेगा, ठीक है। और ये थोड़ा घी है, बटर चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, और या मुल्की मिठाई मेट है, आप चाहे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा रेसिपी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैंने पैन गरम करने को चढ़ा दिया है, थोड़ा घी ऐड करेंगे और थोड़ा स्मेल के लिए बटर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये पैकेट पनीर यूज किया है, तो मैं पैन में पनीर दे दे रही हूँ। गैस को एकदम लो रखना है, हाई फ्लेम में नहीं रखना है, क्योंकि वो जल जाने की वजह से। तो कुछ ये तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन। इसका कलर ऑलरेडी चेंज होने को शुरू हो गया है। देखिए इसका कलर, देखिए थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि वो गोल्डन, लाइट ब्राउन गोल्डन होने पर आपको वेट करना है, तो ऑलरेडी ये हो चुका है। इसी दौर पे हम थोड़ा केसर वाला दूध ऐड करेंगे। ये तब तक आप फ्राई करते रहिएगा तब तक इसका फ्लेवर एनहांस ना हो जाए।
इसी बीच में मैं मिल्क मेड ऐड करती हूँ। आप लोग चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क मेड जस्ट एज ऑप्शन है। और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिया है लास्ट को गार्निशिंग के लिए। तो चलिए इसे हम लोग करते रहते हैं। अभी गैस का फ्लेम लेकिन लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम में अगर रहे तो जल जाने की डर रहेगी। एज पर टेस्ट आप लोग जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं वैसे ही आप लोग अपना शुगर या फिर मिल्क मेड मिठाई मेड ऐड कर सकते हैं। केसर दूध भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क देखिए ये ऑलरेडी हमारा यहाँ सारा जो मैंने मिल्क और मिठाई में जो मैंने ऐड किया था ये ऑलरेडी रेडी होना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा ये पक चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है, दैट इज वाइट। ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। थोड़ा हम लोग मीडियम फ्लेम में कर देते हैं हम लोग फ्लेम को। ऑलमोस्ट डन, चलिए सर्व करते हैं। ये ऐसे ही ड्राई होगा और बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा, इसे आप जितने फ्राई करते रहोगे वो ऑलरेडी ड्राई होगा।
चलिए मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देती हूँ। ये रहा पनीर के हलवे जो बहुत टेस्टी होता है, आप भी अपने घर पे ट्राई करना। और मैं फिर से कहना चाहूँगी अमूल को थैंक यू सो मच, और क्लब ड्रीम कैचर एंड कोऑर्डिनेटर अनिता भट्टाचार्य एंड एंटायर टीम को थैंक यू सो मच। गुड नाइट।